सरकार का सपना है कि भारत में हर व्यक्ति का बैंक में खाता हो, पर इसके बावजूद भी गांव में सरकारी बैंक की शाखा नहीं होने के कारण 13 सेकेंडरी, 4 सीनियर सेकेंडरी, 8000 जनसंख्या व 1000 पेंशन व विद्यार्थियों को 15 से 50 किलोमीटर दूर बैंक के अभाव में नादवरा या उदयपुर जाना पड़ रहा है। हमारे देवड़ा में कोई बैंक नहीं ऐसा जहाँ पर हम छात्रवृत्ति प्राप्त कर सके। यहाँ पे एक बैंक होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट के लिए भी सुविधा उपलब्ध हो सके और हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए भी सुविधा उपलब्ध हो सके। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग पेंशनरों को आ रही है। इनके खाते के लिए इनको बड़ी दिक्कतें आती है, बाहर जाने में 10-10 चक्कर इनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं 2-4 बार जा करके आने में। इस क्षेत्र में एक प्राइवेट बैंक तो है परंतु लोगों तक सरकारी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ICICI बैंक वाले जीरो बैलेंस में बच्चों के खाते खोलने को तैयार नहीं है, 1200 रुपए कम से कम बैलेंस रखना जरूरी है। इस क्षेत्र में सरकारी बैंक नहीं होने के कारण कर्मचारियों समेत नरेगा के मजदूरों को भी समय पर भुगतान नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी हम नरेगा के लेबर का भुगतान भी समय पर नहीं कर पाते हैं, उनका भुगतान और सरकारी कर्मचारियों का भुगतान भी नहीं हो सकता है समय पर। प्राइवेट बैंक से बहुत दिक्कतें आती है, तो हमारा प्रयास है कि देलवाड़ा में सरकारी बैंक खोला जाए और ये प्रयास कुछ कुछ कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस क्षेत्र के सरकारी बैंक के अधिकारी से निवेदन करता हूँ तथा 02953234636 पर फोन कर निवेदन करें कि इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी एक सरकारी बैंक की शाखा खोली जाए। मैं शंभू लाल खड्डी देलवाड़ा से इंडिया अनहट के लिए।